नाम अजूबा अजीम है. मैं बैकग्राउंड इस तरह का है कि मैं मेरी स्कूलिंग जो है सारी कैथीड्रल की है. मेट्रिकुलेशन मैंने किया कैथीड्रल स्कूल मॉल टाउन से. फिर देन आई वेंट टू कनेड कॉलेज फॉर माय एफएससी प्री इंजीनियरिंग. उसके बाद मैंने बैचलर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर एमबीए किया है फाइनेंस में. मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं. सिंस वो एजुकेशनिस्ट हैं तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फॉर बीइंग हाई अचीवर्स. तो एंड आई एम द एल्डेस्ट वन तो उसका भी एक मुझे फील होता है कि किसी भी मुकाम तक पहुँचने में जो फर्स्ट बॉर्न होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. आपने सबके लिए पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपने रोल मॉडल बनना होता है. तो उस हिसाब से आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग स्कूल लाइफ से भी. नॉट सो श्योर कि इंटेलेक्ट का क्या लेवल था लेकिन हार्ड वर्किंग आई एम प्रीटी श्योर मैं शुरू से बहुत ज़्यादा हूँ. और जब मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम दिया एमबीए को सोचने के लिए कि मुझे जॉब करनी चाहिए या एमबीए करना चाहिए. मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया. अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में स्टेट बैंक को समझा जाता है कि बहुत एक हाई एचलॉन है उसको वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है. तो उसका एंट्री टेस्ट भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. हमारा बैच पहला बैच था बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन का और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने कम्पीट किया थाउजेंड्स में भी और उसमें आई गॉट सेलेक्टेड. तो मैंने एमबीए अपना छोड़ के फिर स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया और दिस वाज माय फर्स्ट जॉब एवर. इससे पहले मैंने वॉलंटरली काम किया शौकत खानम में और दो तीन साल रेगुलरली वाइल आई वाज स्टडिंग में शौकत खानम हर समर वेकेशंस में जाती थी और वहाँ पे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते थे जो कैंसर जिन बच्चों को है उन बच्चों के साथ भी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और फिर मेजरली मैंने दो साल अपनी फाइनेंस की सारी एक्सपर्टीज़ को भी यूज़ किया जो मैं सीख भी रही थी. और मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में वॉलंटरली बजट मेकिंग में इस तरह काफ़ी शौकत खाना में फॉर अबाउट थ्री ईयर्स कंजेक्टिवली इन समर वेकेशन मैंने काम किया. फ़र्स्ट जॉब मेरी जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में थी. मैंने कुछ देर कराची भी सर्व किया है और लाहौर में भी मेरी पोस्टिंग दी है. अबाउट 10 मंथ्स मैं कराची रही हूँ और उसके बाद तकरीबन 3 साल मैंने लाहौर में सर्विस किया. मेरी एज एडी मिड करियर मिड लेवल मैनेजर पोस्टिंग हुई थी और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी शिफ्ट किए. हमारा एक मेजर सेटबैक वहाँ पर आता है जब आपको ग्रेड नहीं मिलता. एनुअल ग्रेड्स होते हैं हमारे जिसकी बेस पर हमारी प्रमोशन होती है. स्टेट बैंक में अभी भी यही क्राइटेरिया. तो कंजेक्टिवली आपको नज़र आ रहा होता है कि आपके बॉसेस आपसे खुश हैं नहीं हैं आपके. इट्स वेरी एविडेंट क्योंकि उनके इंटरेक्शन में पता चल जाता है और आपका काम बाकी लोगों को भी नज़र आ रहा होता है. तो स्टेट बैंक में रहते हुए मैंने एक मेजर सेटबैक ये फील किया कि बिकॉज आई बिलोंग टू द माइनॉरिटी तो शायद मुझे कभी कोई बंदा बर्दाश्त ना करता कि मैं उनकी बॉस बन जाती. मेरा एक मिड लेवल मैनेजर की जॉब थी और इससे नेक्स्ट ग्रेड OG3 होता है ऑफिसर ग्रेड थी. वो एक इससे कंपैरेटिव हायर ग्रेड मैनेजमेंट है और आपके अंडर अबाउट 20 to 30 लोग होते हैं सर्विस करने के लिए. और ये सारा कुछ बेस करते हैं आपके ग्रेड्स पे. कंजेक्यूटिव मैंने देखा पहले साल मुझे उन्होंने बी ग्रेड दिया विच इज़ एन एवरेज ग्रेड. ऑल दो काम मुझसे वर्किंग आवर्स से भी लेट बिठा के काम लिया जाता था और प्रॉपर जितनी भी एक्सपर्टीज थी उसको यूटिलाइज पूरा करते थे. फिर मैंने एक साल मतलब किसी किस्म का कोई एजिटेशन नहीं की बट फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो है ग्रेड में इस तरह मुझे फील हुआ कि डिस्क्रिमिनेटली है B से B+ कर दिया. उन्होंने अपनी तरफ से तो ये कहा देखिए हमने आपका ग्रेड इम्प्रूव किया है बट जितने भी साल मैं वहाँ पे रही हूँ मुझे आज तक वहाँ पे ए ग्रेड कभी भी नहीं दिया. इंसान होने के नाते कभी बंदा फील करता है कि शायद आप में कोई कमी हो तो आप अगले साल उसको इम्प्रूव करते हो और इम्प्रूव करके भी अगर बेहतरीन आए फिर आपको लगता है कि दिस इज़ इट. वो आपका एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है. जब मुझे कंजेक्यूटिव इस तरह की कॉन्स्टेंट डिस्क्रिमिनेशन फील हुई तो मैंने सोचा कि आई शुड मूव फॉरवर्ड. उसके बाद ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू मेरे फादर ने कहा कि तुम CSS का एग्ज़ाम दो. मैंने कहा मेरी ऑफिस की जॉब इस तरह की है मुझसे मैनेज नहीं होगा और हर ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियां लेने का ये बहुत बड़ा एक इशू होता है. मैंने ऑफिस के साथ ही ऑफिस से आके 6 बजे मैंने पढ़ना शुरू करना और 12-1 बजे तक पढ़ते रहना सुबह ऑफिस जाना. और ये मैंने ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स की स्टडी की है और ये एग्ज़ाम दिया. एंड मुझे ये था कि चलो मेरे पास एक बैकअप तो है इवन इफ़ आई डोंट गेट थ्रू मेरे पास एक जॉब है. बट खुदा का बड़ा शुक्र है उसका बड़ा हाथ रहा मुझ पर. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया. तो मुझे जो बेसिस इसमें नज़र आती है वो यही थी कि सिंस मेरा एक
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मैं यहाँ पे कभी तरक्की कर सकती हूँ. तो उसने एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. कोई भी करियर अगर स्टैगनेंट हो तो आप उसमें कोई बड़ी मजबूरियाँ होती हैं उसकी वजह से रुकते हैं. अगर वो मजबूरियाँ ना हों जिसमें फाइनेंशियल है मेजर मजबूरी, फिर आप ये सब जनरल ऑब्जर्वेशन इंसान ये फील करता है कि मुझे यहाँ से मूव आउट कर जाना चाहिए. तो ये एक मेजर बेसिस बना मेरी CSS का एग्ज़ाम देने में. और जैसे कि मैंने बताया मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2013 का, उसमें मैंने आई टुक द एग्ज़ाम और फिर आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट गो. फिर इस तरह इंटरव्यू हुआ वो भी क्लियर हो गया और फिर मेरी एलोकेशन होगी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में. हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, लेकिन वो मिशन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं क्योंकि एक बड़ा वहाँ पे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिलता है. क्योंकि ओपन एक साइकी ये है कि क्रिश्चियंस के साथ या अदर माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है. तो आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल जो इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में है. CSS का एग्ज़ाम मैंने 2013 में दिया, उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन होके 2014 में हमारा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ. कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ और भी बाकी ग्रुप्स होते हैं जिसमें इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस है. इस तरह टोटल मिला के 12 ग्रुप्स हैं. वो सारे एक ही हाउस में अंडर वन रूफ ट्रेनिंग करते हैं. और इस ट्रेनिंग में काफ़ी ये भी कंपेटिटिव ट्रेनिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, स्पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं. ये ट्रेनिंग क्लियर करके ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कैंपस चले जाते हैं और वहाँ पे हमारी अबाउट 10 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. ये भी बड़ा रिगरस किस्म का प्रोग्राम है. इसमें एकेडमिक का स्पोर्ट्स हमारा एक मेजर एलिमेंट है. और ये जब CSP पाकिस्तान बनने के बाद से पहले से भी ये रिवाज चला आ रहा है. जब हमारे पास ढाका के लोग यहाँ कैंपस पे पढ़ते थे, ये सेम कैंपस है. बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू भी है इस कैंपस की. तो उस वक्त से जब ये ट्रेनिंग होती थी तो ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, लेकिन इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेम है. जिसमें हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, बैडमिंटन, स्क्वाश है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स जो है ना वहाँ पे आपको मोटिवेट करते हैं, अर्ज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स करें. और जिम भी हमारा PS कैंपस के ऊपर डेवलप्ड है, बड़ा अच्छा वहाँ पे जिम भी उन्होंने बनाया हुआ है. तो स्पोर्ट्स के हमारे इंटरनल लड़कों के और लड़कियों के टूर्नामेंट्स भी होते हैं. 2 टूर्नामेंट स्पोर्ट्स के मैंने जीते भी थे अपनी अकेडमी टाइम में, जिसमें एक बैडमिंटन है और लॉन टेनिस है. दोनों चैम्पियनशिप सिंगल की मैंने जीती थी. हमारा एक पासिंग आउट एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट गिना जाता है, PS की पासिंग आउट. हमारी पासिंग आउट पे गवर्नर पंजाब थे मिस्टर रफीक रजवाना, वो आए हुए थे और ही वॉज़ द चीफ गेस्ट. उन्हीं के हाथ से हमें पासिंग आउट सर्टिफिकेट्स भी मिले थे. और कंप्लीशन के बाद ही हमने फिर एज़ ACUT ज्वाइन कर लिया लाहौर में. असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो 22 वीक्स का प्रोसेस होता है. इसी के ड्यूरिंग हमारा फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ाम हो जाता है. और उसके बाद फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग हार्डशिप ट्रेनिंग स्टडीज़ एंड एवरीथिंग कंपेटिटिव एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद भी हमारा ये पढ़ाई से पीछा नहीं छोड़ने देते. फिर आप फाइनली आके आई गेस आफ्टर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आप एज किसी भी सब डिवीज़न के AC लगते हैं. एंड आई वॉज पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है. ये यहाँ तक आने का प्रोसेस तकरीबन 2 साल का है. तो इट्स अ लॉन्ग रिग्रेस प्रोसेस. किसी भी जगह आप नई पोस्टिंग में जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. उम्मीदें भी होती हैं लोगों की. कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई नया बंदा आएगा तो हमारा काम होएगा. मुझसे पहले जो AC थे वो एक्चुअली एक मेरे लिए एक स्टेप बने परफॉर्म करने के. ही वॉज़ अ वेरी नाइस मैन एंड जेंटलमैन.
पर बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि वो काम किसी का नहीं करते थे और पेंडिंग काम उन्होंने इतने ज़्यादा छोड़े हुए हैं कि मुझे कोर्ट के केसेस 2014 के मैं 2017 में उनके फाइनल रेजोल्यूशन और ऑर्डर्स उनके अभी पास किए हैं मैंने. तो ये एक मुझे इस चीज़ से मुझे और भी प्रेशर फील हो रहा था क्योंकि लोगों को मुझे नज़र आ रहा था कि सर्विसेज उस तरह से नहीं मिलती हैं. और फिर हमारा जो इलाका है यहाँ पे पॉलिटिकल भी एक बड़ा अजीब सा हॉजपॉज बना हुआ है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और दोनों एमपी एमएनए की रिफ्ट हैं. तो मेरे लिए भी एक बड़ा डिफिकल्ट था, मुझसे पहले एसी के लिए भी कोप अप करना डिफ़िकल्ट था. आप अल्टीमेटली कहीं बाइस्ड हो जाते हो. तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था जब मैंने इनिशियली इंक्रोचमेंट हटवाने की तरफ काम शुरू किया. तो एमपी साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप गरीब की दोस्त नहीं हैं, आप दुश्मन हैं गरीब की. हालांकि आपका काम सर्विस देना है और आप चाहते हैं कि हर किसी बंदे को नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए. और मेरा अल्टीमेट विजन यही था कि उनको बाज़ार जो कि बहुत छोटा सा है और लोग बिल्कुल बाज़ार में आगे ठिए लगा के अपने फट्टे टेबल रख के उन्होंने सारे बाज़ार को बंद किया हुआ है, लोगों के गुजरने की जगह नहीं है. वैसे भी हमारी सोसाइटी वाइज भी एक बड़ा अजीब सा माहौल है, आवाज़ें लगाई जा रही थी एक तो प्रॉपर एक जो है ना उसको मैं सेटल और ऑर्गेनाइज करना चाहती. जब मैंने लोगों को वहाँ से हटाना शुरू किया तो बहुत मतलब मुझे यहाँ तक की धमकियाँ आई कि हम तहसील बंद करा देंगे. अंजुमन ताजरान ने इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आप नई ऐसी आई हैं, आपकी पहली पोस्टिंग है, आप नुकसान उठाएंगे. इस तरह की कॉल्स मुझे आई पॉलिटिशियंस की तरफ से भी और हर किस्म के पॉलिटिशियंस, किसी काउंसलर का भी मैं किसी उसके जानने वाले का अगर ठिया हटवा रही थी तो उसमें भी मुझे कॉल आ रही थी कि जी आप नुकसान उठाएंगे, आपकी पहली पोस्टिंग है. बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि नहीं अभी मुझे स्ट्रांग रहना है, अभी मुझे ये सब चीज़ें जो है वो बेयर करके अगर मैंने यहाँ स्टैंड ले लिया तो इट वुड एक्चुअली सर्व एज अ फुटिंग कि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि पोलिटिकल प्रेशर्स बर्दाश्त नहीं करते. और मैंने उसमें बिल्कुल सबसे पहले एक ये अपना प्रिंसिपल रखा कि मैंने किसी को फेवर नहीं देना. जो बंदा उसके अंदर आ रहा है और उसका ठिया लगा हुआ है मैंने वो सबका हटवाया, चाहे वो बंदा गरीब है, चाहे उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, चाहे नहीं है. एक असूल मैंने फॉर ऑल बनाया, मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं की. और फिर उनको ऑर्गेनाइज भी किया, ये नहीं किया कि उनको डिप्राइव कर दिया उनकी रोज़ी रोटी से, क्योंकि बेसिक पॉलिटिकल लोगों का तो ये होता है ना कि उन्हें वोट लेने होते हैं लोगों से, तो उनको जाके कोई बंदा आके रोता है कि ऐसी हमारी रोज़ी रोटी बंद करवा रहा है. तो उस चीज़ से भी मैंने उनको बिल्कुल डिप्राइव नहीं किया कि उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाए, बल्कि इनफैक्ट जैसे हमने दिखाया हमने प्रॉपर उनके लिए ड्रॉज निकाले, हर बंदे को एक स्टैंड दिया जहाँ पे वो रख के अपना फ्रूट बेचे, अपना चिकन, जो भी चीज़ उसने बेचनी है, जो पहले ठिए लगे हुए थे जिनकी प्रॉपर दुकानें नहीं थी, तो उन सबको हमने वहाँ ये जगह दी. इसी तरह अंजुमन ताजरान जो है वो सिंस एक बॉडी होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है सारे ताजरों की, उन्होंने ये इशू बहुत ज़्यादा उठाया कि हमारा बंद हो जाएगा. एक मुझे अभी तक बात याद है कि वो मुझे एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल अपनी तरफ से बता रहे थे कि क्योंकि आप हमारा ठिया उठा रही हैं और हमारा डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा तो लोग हमारी दुकान में ही नहीं आएंगे. मैंने उनको ये बात समझाई आपकी मेन एंट्रेंस क्लियर हो जाएगी तो लोग ज़्यादा ईजिली एक्सेस कर सकेंगे, लेकिन वो उन्होंने फिर इस बात पे जब उनको नज़र आया था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर उन्होंने मेरे उस वक्त डीसीओ साहब थे उनको अप्रोच किया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को, तो उनसे प्रेशर डलवाने की कोशिश की. एंड लकीली मेरे डीसीओ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ही कुड सी दैट आई वाज वर्किंग हार्ड, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, साथ समझाया भी कि किस तरह पॉलिटिकल जो आपके ये सारी जो लोग पेट्रनेज के साथ चलते हैं इनको किस तरह आपने कर्व करना, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रनेज हमारी मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का एक जो मेजर डिलेमा है वो पॉलिटिकल पेट्रनेज है. तो इसको डील करना सिंस मेरी पहली पोस्टिंग थी तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया. तो एज़ एसी जो है ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे साथ ये भी नज़र आता था कि आपके पॉलिटिकल लिंक्स भी होने चाहिए इन लोगों को शट अप कॉल देने के लिए. उस तरह का कोई पॉलिटिकल लिंक मेरा है नहीं. मैडम अजूबा की पोस्ट पहली पोस्टिंग है तो अभी इनको 6 महीने हुए आए हुए यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे तैनाती 2 साल से है. तो इनको जब भी कोई मसला आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसमें हमें बुलाती हैं, मैं हूँ, दीगर रेवेन्यू अफसरान है हमारे साथ दो, वो उसको सीखने की कोशिश करती हैं. दूसरे इनके आने से ये हुआ है कि इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है कि जो बंदा जिस वक्त भी आ जाए इनके मुतलका है, बाद दफ़ा नहीं भी होते, पुलिस के मुतालिक केस है, हॉस्पिटल से है या कोई TMA से मुतालिक है, तो वो भी इनके पास आता तो उसकी बड़ी हेल्प करती हैं, फिर उनके सरबराह से बात करके उसको मसला हल कराने की कोशिश करती हैं. फिर आके इन्होंने जो तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है उसमें बिला इम्तियाज़ उसमें कोई प्रेशर आया है या प्रेशर नहीं आया है, इन्होंने मेरिट पे किया है, वो नाजायज़
अगर तजावज है उसको हटाया है, चाहे MPA MNA या जो भी कोई, तो इन्होंने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हर लेवल पे प्रेशर आता है, चाहे वो बड़ा अफसर है या छोटा, प्रेशर तो आता है लेकिन काम मेरिट पे करती हैं, वो प्रेशर इनके ऊपर वो नहीं है, बोल्ड है इस मामले में, कोई परवाह नहीं, जो करना है वो करना है लेकिन ठीक दुरुस्त करना है, मेरिट सेट के नहीं करती हैं कि गलत होगा। मतलब वैसे मातहत अमला है, उनके साथ बड़ा इनका अच्छा रवैया है, हमारे साथ बहुत अच्छा है। एक हमारी सोसाइटी में मेजर सेटबैक अगर हम देखें तो वो एक औरत होना भी हमारी सोसाइटी में एक सेटबैक ही है। रिलीजन जो है वो शायद सेकेंडरी पोजीशन ले लेता है एज फार एज अ वुमन इज़ कंसर्न। तो सबसे पहले तो लोगों की एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, आप एक सीट पे आके बैठते हैं क्योंकि आप हमारी सोसाइटी का इस तरह कल्चर है, आप जब लोगों को लगता है कि जी अगर आप एसी के साथ जाके गपशप नहीं लगाएंगे तो वो आपकी रैपर्ड नहीं डेवलप होगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ती है। मेरा अपना यहाँ एजेंडा है कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करती हूँ। कोई अगर पॉलिटिकल भी कोई बंदा आता है, कोई पॉलिटिशियन आता है, तो उनसे उनका काम पूछती हूँ, उनका काम अगर मेरिट पे हो, फेयर काम हो तो वो कर देती हूँ, एंड देन दे कैन गो होम। और वो बिल्कुल वो रिवाज नहीं है कि वो 10 घंटे बैठे रहें, टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे लोगों को वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब मैं क्यों नहीं उनके फंक्शंस में जाती, मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ यहाँ किसी भी शादी में जाने के लिए, क्योंकि मुझे फील होता है मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है सर्विस। तो अगर मैं इस तरह शादियों में जाऊँगी तो आई वुड बी लिंक्ड टू वन पार्टी या किसी ग्रुप के साथ मेरी एसोसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ रह के फेस करनी पड़ती है। लोग ये समझते हैं मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करती, मैं मूडी हूँ, लेकिन वो एक मेरा एजेंडा नहीं समझते कि जब उनका काम मिल रहा है तो इवन इफ़ आई एम नॉट अटेंडिंग देयर वेडिंग्स तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर सेकेंडली जब मैं इनिशियली यहाँ आई तो लोगों को ऑब्वियसली अपफ्रंट कई लोगों को नहीं पता होता कि मेरा क्या रिलीजन है, कि मैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया मैंने ये देखा है कि वो कुछ लोग तो ओपन डिस्क्रिमिनेशन इस तरह करते हैं कि मेरे फेस पे ऐसी कोई बात कर देते हैं। मेरे पास TMA था, बल्दिया था, और वो अपना काम करवाने के लिए पता नहीं उस बंदे को पता था या नहीं पता था, लेकिन उसने आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स कि उसने कहा कि ताड़े जड़े चूड़े ने वो काम नहीं करते, और मेरे लिए इतना ही शॉकिंग था। और एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए डिप्रेसिंग भी होता है कि आप इतनी मेहनत करके किसी जगह पहुँचे हैं और आपकी कम्युनिटी के लोगों को किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, और वो उनको सिर्फ और सिर्फ सफाई वाला, झाड़ू वाला, उनके लिए यही लोग जो हैं वो क्रिश्चियन जो हैं वो कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। मैं मैडम अजूबा के पास काम करती हूँ घर का सारा, और मैडम हमारे लिए बहुत फख्र का बहस है कि हमें बड़े ताने मिलते थे कि हम चूड़े हैं, हम इस तरह के हैं, लेकिन आज हमें पूरा फख्र है कि हमारी मैडम कौम के लिए एक अच्छी मिसाल बन गई। मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटियाँ बेटे पढ़ के अच्छे मकाम पे आए, और जैसे मैडम अजूबा है, हमारे लिए ये जो दाग है हमेशा के लिए ख़त्म हो। सर यहाँ पे हमारे मेरे पास एज TM एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ का लोकल बल्दिया जो है तहसील का वो था, उसमें सारे जो हैं हायरिंग वो करते हैं क्रिश्चियंस की, सारे सफाई वाले, नालियाँ साफ़ करने वाले। और सरप्राइजिंग बात ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी हायर होते हैं इसी सैनिटरी वर्कर की सीट पर वो विलिंग नहीं होते ये काम करने के लिए, और उनको उन्होंने लगाया होता था TMA की मोटर चलाने पे, पानी की मोटर चलाने पे, मतलब खुद भी फेवर देते हैं, और तो वो हायर वो इसी सीट पे। मतलब गवर्नमेंट का तो कोई वो नहीं है कि मैंडेट है कि आपने सिर्फ क्रिश्चियन या माइनॉरिटी के लोगों को ही सफाइयों के लिए हायर किया है। तो वो मुझे अपना आप एक बड़ा वो उस तरह से फील होता था कि मेरी ही कम्युनिटी से ये लोग मेरे अंडर सारे सफाई कर रहे हैं, और एक तरफ मैं इनके ऊपर एज अफसर, और मेरे नीचे और भी मतलब सारे मुस्लिम लोग हैं जो, और मुझे बड़ा वो एक प्रिविलेज फील होता था कि मैं इनकी अफसर हूँ इन लोगों की, एंड आई एम नॉट बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी, आई एम नॉट क्लीनिंग द स्ट्रीट्स एंड वॉशिंग देयर हाउसेज, और ये ऐसा कोई काम मैं नहीं कर रही। तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ये एजाज़ है और फ़ख्र है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये इस मुकाम तक अपनी मेहनत से ही पहुँचते हैं। तो अपने माँ बाप की दुआएं और मेहनत के साथ मैं आज उस तहसील की ऐसी हूँ जहाँ पे सारे शायद झाड़ू लगाने वाले मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, और मुझसे जितने सबॉर्डिनेट्स हैं वो सारे मुस्लिम लोग हैं। तो ये एक बहुत मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, और हमें ये एक हार्डशिप भी है, हर्डल भी है, कि यंग लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैं एज एन AC पूरी तहसील का, एक तरह से स्लैंग में कहते हैं AC तहसील का मालिक होता है, तो एज फैक्टर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे, और ये भी आपको ज़्यादातर जो है ना पॉलिटिशियन से फेस करना पड़ता है कि वो आपको डिक्टेशन देते हैं, वो आपको काम करने ही नहीं देते हैं। जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमने अपनी बेटी की इस तरह तरबियत की है
کہ جس بھی جگہ پہ آپ کو رکھا گیا ہے آپ نے ملک کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنے پارٹ کو ادا کرنے اور ایمانداری سے پاکستان کی خدمت کریں, چونکہ اگر آپ یہاں پہ رکھے گئے ہوں تو آپ کا یقیناً کوئی بڑا مقصد آپ کے لیے ہے اور آپ نے ملک کے کی خدمت کے لیے بہت کچھ کرنا, آگے بڑھنا ہے. ہماری یہاں پہ اوپن ڈور پالیسی ہے. میں نے بالکل وہ جیسے ہم اکثر آپ آفیسز میں جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے پہلے وہ ایک پرچی آتی ہے, اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اندر آنا چاہ رہا ہے, اور وہ بندہ اگر کسی سیاسی نے نہیں بھیجا, کسی بڑے افسر نے نہیں بھیجا, تو وہ بندہ جو ہے سارا دن انتظار کرتا ہے, اینڈ پہ افسر اٹھ کے چلا جاتا ہے. میں نے اپنے یہاں پہ جتنے بھی نائب قاصدین کو کہا ہے, جو بھی بندہ آئے, سائل آئے, اس کو آپ اندر بھیجا کریں. میں نے ایک اوپن ڈور پالیسی یہاں اسٹیبلش کی ہے, اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں, اپنی ریکویسٹ دیتے ہیں. اس میں ریٹرن لینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو اسٹال کرتے ہیں یا کام ڈیلے کرتے ہیں, ہم ان کی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں, اور ان کی ہیلپ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کو یہ کام کا تھا ہوا نہیں. اس کو میں جب اپنے پاس لاتی ہوں تو میں سارے میرٹس پہ ڈاکیومنٹ, کیونکہ ان کی کسی بھی ایک ریکویسٹ کی اپلیکیشن کی کوئی بیس ہوتی ہے, وہ سارے ڈاکیومنٹس کال کروا لیتی ہوں, اور اس میں ہم پھر میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح کس کی فیور میں جا رہا ہے. اور اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا پرولونگ نہ کیا جائے, اس کو ایٹ دا اسپاٹ ہی حل کر لیا جائے. اگر ہم میرٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ اس بندے کا فیور میں جا رہا ہے, تو اس کو پھر ہم لمبے پروسیجرز میں نہیں ڈالتے, وہ اپنی ڈسکریشن پہ ایٹ دا اسپاٹ اس کو حل کر دیتے ہیں. جو میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, آپ کا رجسٹری ہے جس زمین کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے خلاف یہ سنیں نا کہ انہوں نے لکھا ہوا کہ چار دیواری آپ نے ان کی گرائی ہے. کوئی کسی سے آپ انکوائری کروا لیں سر, بیان کرتا ہوں ایسا آدمی نہیں تھا. چلے مسئلہ ادھر ہی بیٹھ کے حل کرنا ہے, جواب نہیں چاہیے مجھے, وکیل بھی نہیں چاہیے, میری بات سنیں. آپ وکیل کے پاس جائیں گے اور ٹائم لگے گا. میرا یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی نا انصافی نہ ہو, ان کے ساتھ بھی نا انصافی نہ ہو. آپ مجھے اپنی رجسٹری لا کے دیں. جی ٹھیک ہے. جو آپ کا ہے ان کا بھی میں حدود اربع چیک کر لوں گی, میں موقع وزٹ کروں گی خود. آپ ایسا کہہ رہے ہیں اور ریکارڈ جناب مسئلے کا یہاں پہ کوئی حل نکالا جائے. بحث تو پہلے آپ لوگ عدالت میں بھی کر چکے ہیں, آپ دوسروں بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں. یہ آپ فکر نہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے نا انصافی ہو رہی ہے. میں تصور کا بینوئی ہوں, ہمارے پاس ثبوت تو ہونا چاہیے نا کہ پولیس لے گئے نے, مستری مزدور میرے چکوا کے لے گئے نے, میں تو موقع دسی, پھر انہاں میرے گربان پکڑے, میرے کپڑے پھاڑے نے, مارا کٹیا نے منو, پھر میں اتھے گئی ہاں تھانے دے وچ, تھانے والے نے انہاں دی وی سنی ہے ساڈی وی سنی ہے, پھر اتھے اپنے کونسلر نو لے گئے نے جڑا کہ عرفان ہے, اس نو وہ بھی گیا اتنے جا کے انہوں نے آخیا جی تھی اس طرح کرو بھائی آپس کے بیچ بہ کے مکا لو, تھی لڑو نہ کھلو نہ اس طرح, ٹھیک ہے تھوڑا جڑا حق بن رہا تھا دیا. پھر من پتہ لگا کہ زمین فروخت کر رہے ہیں, پھر میں آئی ہوں, میں آ کے اسٹے کرائے, اسٹے کے دوران انہوں نے رجسٹریاں کر کے تو زمین ہے جی اگے انہوں نے فروخت کر. میڈم کسی آدمی سے آپ آ جائیں وہاں جی موقع پہ, مہربانی آپ کی. اس بچے کے بارے میں ایک آدمی بول دے نا کہ یہ لڑاکا ہے, آدمی کے گل پہتے ہیں یہ ایسے بہت سارے ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں. اس میں میں کوشش کرتی ہوں کہ اسپیسیفک نہ رہوں کہ یہ زمینوں کا کیس ہے تو اے سی سے ریلیٹڈ ہے, یا اگر پولیس کا کیس ہے تو پولیس سے ریلیٹڈ ہے. کوشش کرتی ہوں کہ ہر کیس جو میرے پاس آ رہا ہے اس کو اپنے اینڈ پہ ریزالو کروں. اور بہت سارے فیملی ایسے میٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی زمینوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ بیٹھ کے ریزالو کیے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح ایسے میرے پاس دو بھائی آئے, ایک نے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اس کو اپنا وراثتی انتقال اس کو نہیں کرنے دیا, اور مطلب فراڈ سے ماں کے انگوٹھے لگوا کے ساری پراپرٹی خراب کی. دوسرا بیچارہ مجبور تھا کرائے کے مکان پہ رہنے پہ. تو میں نے ان دونوں بھائیوں کو بلایا, اور آپ بہت ساری چیزیں اپنی اتھارٹی کی بیس پہ ریزالو کروا لیتے ہیں. تو شکر خدا کا وہ دونوں نے ایک اگریمنٹ کر لیا سامنے. ان سے ہم ایفیڈیوٹ بھی لے لیتے ہیں کہ ان کیس وہ اگر اپنی بات سے ہٹتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریٹن پروف ہو کہ انہوں نے اس بات کو اے سی کے سامنے پروف کیا تھا کہ یہ اس طرح ایکٹ کریں گے.
اسی طرح ریونیو کا کام, زمینوں کے مسئلے تو بہت سارے اس طرح کے پینڈنگ تھے جو میں نے ریزالو کیے ہیں. تین تین سال کے لوگ بیچارے خوار ہوتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں کہ ان کو کبھی اے سی ملتا ہی نہیں تھا, ہوتا تھا تو کہتا ہے اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ اور مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا. میں خود کوشش کرتی ہوں کہ ریونیو کی ڈیمارکیشن, جو کہ میرا کام نہیں ہے, تحصیلدار کا کام ہے, میں موقعوں پہ جا کے کرواتی ہوں کہ لوگوں کی تسلی ہو کہ کام فیئر ہو رہا ہے. اور اسی طرح میرے پاس ایک واقعہ آیا جو کہ تھا ہراسمنٹ کا اور ریلیٹڈ مجھ سے بالکل بھی نہیں تھا. الٹیمیٹلی اٹ گوز ٹو دا پولیس ڈپارٹمنٹ, اور جو بھی کمپلیننٹس تھے ان کو بھی پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا, وہ گئے بھی, وہاں سے ان کو کوئی بہتر حل نہیں ملا, سلوشن نہیں ملا, تو وہ بیچارے دھکے کھاتے ہوئے میرے پاس آئے. یہ میرا ایک طرح سے فرسٹ پوسٹنگ میں فرسٹ ون آن ون انٹریکشن تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس سے پہلے کبھی آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں ضرورت نہیں پڑتی یا فیملی میں بھی نہیں, تو اس میں میں نے واقعی فیل کیا کہ پولیس کے لوگ کس طرح لوگوں کو ایکچوئل میں خوار کرتے ہیں. اب وہ لوگ پریشان بھی تھے اور ان کی پولیس کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو تھے, جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے, ایس ایچ او ہوتا ہے, وہ آگے سے کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے ان خواتین کی جو ایکچولی میرے پاس پریشان ہو کر آئی ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں. وہ مجھے فون پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ کو نہیں پتہ یہ خواتین ہوتی ایسی ہیں, انہیں کی غلطی ہے. تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کتنا پیچھے ہے ہمارے معاشرے کو, کس طرح یہ عورتوں کی اصل جو سب جو کہتے ہیں نا سبجیکٹ کیا ہوا ہے ان کو پرابلمز میں, اور یہ بیچاری ہماری بالکل لوور ان کو اسٹاٹا میں رکھتے ہیں. تو وہ شاید یہی اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی انوالوڈ ہیں اور اس میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے پھر جو ہمارے گجرات کے ڈی پی او ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک ٹریننگ کا سیشن لیا ہوا تھا, تو ان سے میں نے پھر پرسنلی ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو ایس ایچ او ہے یہاں کا اس سرکل کا, وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا. اور انہوں نے آل دو ہی از دا ڈی پی او, انہوں نے اس چیز کو بڑا ریگارڈ کیا میری اوپینین کو, انہوں نے ان خواتین کو اپنے پاس بلایا اور پورا کیس سنا اور امیکیبلی اس کو ریزالو کیا. تقریباً 26 اگست 2016 میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے موبائلس پہ ڈفرینٹ نمبر سے دھمکیاں اور ہماری کچھ فیملی پکس اور ایسا مٹیریل, مطلب ہماری اپنی فیملی سے ہی ریلیٹڈ, وہ ہمارے موبائلس پہ موصول ہوا. ہم لوگ سارے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا مطلب کون ہے ایسا کہ جس کو یہ تمام چیزیں ہمارے موبائل میں سے ملی ہیں, کیونکہ ہمارے کسی ایک موبائل کا ڈیٹا نہیں تھا بلکہ ہمارے ڈفرینٹ موبائلس کا ڈیٹا تھا جو کہ ہمیں موصول ہو رہا تھا دھمکیوں کی شکل میں. وہ ہم لوگوں نے اسی طرح سے بہت پریشانی دیکھی, آپس میں ڈسکس کیا, سب کچھ کیا, پھر بڑوں تک ابھی بات نہیں تھی پہنچی, کیونکہ ہم ہر فیمیل یا جو بھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی سب سے پہلا شک تو انہی لوگوں پہ جائے گا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی ایسا کسی کو یہ ایسی چیز پرووائڈ کی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن سچویشن یہ تھی کہ ہم لوگ سب آپس میں پریشان کہ ہم لوگوں نے کسی کو ایسی ایک بھی پک نہیں دی کوئی, کیونکہ ہماری صرف یہ نہیں کہ گرلز کی اس میں پکس تھیں, اس میں ہماری پوری فیملیز کی, مطلب ہماری ڈفرینٹ شادیوں کی تقریبات کی تھی پکس. تو اس حوالے سے ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تمام ڈیٹا کیسے باہر گیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ اسی طرح سے آپس میں کرتے رہے ڈسکس جو بھی, پھر بڑوں تک بھی بات پہنچائی کہ ایسا ہوا ہے اور یہ, لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ دھمکیاں ہمیں ان تمام دنوں میں مسلسل 26 اگست سے لے کے اباؤٹ 7 سپٹمبر آ گیا تھا, اور وہ اس تک مطلب وہ ان تمام تقریباً 2 ویکس یہ بن جاتے ہیں اور اس میں یہ آتی نہیں مسلسل دھمکیاں بھی ڈفرینٹ پکس بھی, وہ سلسلہ رکا نہیں. ہم لوگوں نے ان نمبرز کو کوشش کی کہ دیکھیں وہ کس کے نمبر ہیں یہ وہ, لیکن کچھ بھی نہیں پتہ نہیں ہمیں چلا. لیکن کچھ تھوڑا سا لنک ملا کہ گاؤں کے کچھ ہمارے جو علاقے کے کچھ لڑکے ہیں آوارہ قسم کے, ان کے ہتھے یہ چیز جو ہے نا وہ لگ گئی ہے. لیکن ہم پھر بھی یہ پریشان تھے کہ آخر اگر ان تک یہ چیز پہنچی بھی ہے تو کس ذریعے سے پہنچی ہے, یعنی مطلب اگر ہماری اپنی گھر سے کوئی بندہ نہیں ہے تو ان تک یہ چیز کیسے یہ سارا میٹیریل پہنچا ہے. ہم لوگوں نے تحقیق کی, وہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک بچے نے ہمارے جی میل کی آئی ڈی چوری کی اور اس نے وہاں سے تمام ہمارا موبائلز کا, کیونکہ وائی فائی کی وجہ سے سارے موبائل ایک آئی ڈی پہ کنیکٹ تھے, تو وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا. پولیس کے پاس گئے تو پولیس کا بالکل ویسا رول نہیں نظر آیا جیسا ہونا چاہیے تھا. ان میں جو ایس ایچ او رضاوان صاحب تھے, جب بھی ان کے پاس کوئی مطلب ہم لوگ کمپلین کرتے یا یہ مطلب اب ہمیں یہ دھمکی آ رہی ہے یا یہ ہمیں پکس بھیجی گئی ہیں یا اس طرح سے ہوا ہے, تو انہوں نے کوئی کوآپریشن نہیں کی, بلکہ الٹا وہ یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکیوں آپ لوگ خود ہی اس طرح سے ہوں. تو ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے ہماری سسٹر, کیونکہ وہ انہوں نے مس عزوبہ کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ہمارے پاس اے سی آئی ہیں,
और हमारे पहले ज़्यादातर मेल ही रहे हैं यहाँ पे ऐसी, तो वो फर्स्ट टाइम, मतलब हम लोग इससे पहले आई हैं ऐसी फ़ीमेल भी, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता चला कि अजूबा अजीम जो हैं वो हमारे पास आई हैं। तो इसने कहा कि हमारे पास इस इनसे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम इस सबसे पहले इनको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। हम लोग आए और उनको सारी बात बताई जो भी हुआ, हमने फिर उनको बताया कि पुलिस का ये है, उन्होंने कुछ भी नहीं किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं, क्योंकि जो लोग जिनके बच्चे वो आवारा मिजाज बच्चे जो ये थे, उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत खासा था, मतलब स्ट्रांग था, और दूसरा ये कि उनके बच्चे जो थे वो भी इंतहाई बिगड़े हुए ख़तरनाक बदमाश टाइप थे, तो कोई बंदा उनको हाथ नहीं था डालता, इवन के पुलिस जो है वो भी उनसे डरती थी। फिर मिस अजूबा की भी उन्होंने इसी तरह से उनकी बात को भी निगलेक्ट किया है, और उनको भी आगे से वो यही चीज़ कहते थे कि वो ये लड़कियां खुद ही होती ऐसी हैं ये वो, जिसकी वजह से, और बल्कि मिस अजूबा ने जब हमारी फेवर में कभी बात भी की है तो उल्टा वो इन पर उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने नेगेटिव लिया, इस चीज़ को उन्होंने ये नहीं समझा कि ठीक है एक बंदा किसी के राइट के लिए बोल रहा है तो इसको नोटिस करें कि क्यों। फिर इवन के हुआ ये कि जब उनका रवैया चेंज नहीं हुआ और मुसलसल ऐसे ही वो इस केस को लेते रहे हैं, तो मिस अजूबा ने फिर ये किया कि हमें डीपीओ के पास रेफ़र किया। वहाँ पे जब गए तो डीपीओ के जेन में उन्होंने ये चीज़ डाली हुई थी कि ये इन लड़कियों की अपनी की गई कोई है, मतलब इनका खुद से ही होगा कोई ऐसा वैसा, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पे मिस अजूबा का एक बहुत बड़ा रोल था कि जो उन्होंने डीपीओ साहब को फिर बाकायदा सबूत के साथ और बाकायदा हमारे एक फेवर में एक पूरा उनको बताया है, एक हकीकत उनको बताई है कि ये हुआ है इनके साथ और इस तरह से ज्यादती हुई है, और इनका उस तमाम केस से या उन लड़कों से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ कोई लड़कियों की पिक्स नहीं बल्कि की तमाम उनकी ओवरऑल फैमिली पिक्स थी जो जो तमाम डाटा उन्होंने किया। तो इसमें मिस अजूबा का बहुत बड़ा रोल था। अव्वल से लेके आखिर तक मिस अजूबा अजीम ने ये तमाम केस मतलब सॉल्व करवाया है, उन्होंने अपनी ज़ेर निगरानी ये तमाम चीज़ देखी। वजह क्या कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से की नहीं, और जिन जिस बंदे की ड्यूटी ये थी नहीं, मिस अजूबा अजीम की ये बेसिकली ये ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर होने के बावजूद ये पुलिस का केस भी समझें कि खुद सॉल्व करवाया साथ हो के, पुलिस के साथ हो के। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इंस्पेक्टर भी है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का के थ्रू, हम चेक करते हैं फूड एडल्ट्रेशन जिसमें आपकी ईटेबल्स जितनी भी हैं उन सब में अगर कोई मिलावट है तो वो हम चेक करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। ये हमारी एक प्रॉपर टीम होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, और हाइजीन आजकल जो है हमारा एक प्राइम, हमें एक टारगेट भी मिला हुआ है कि आपने हाइजीन को इंश्योर करना है, और मोस्टली हम बेकरीज वगैरह इसी एक प्रेमिस पे सील करते हैं कि यहाँ पे हाइजीन लेवल बहुत पुअर है। अगर बिल्कुल आपके कुकिंग एरिया के साथ ही वॉशरूम बना है तो उसका क्या हाइजीन स्टैंडर्ड होगा, और मोस्टली छोटे शहरों में, सराय आलमगीर क्योंकि छोटी तहसील है, छोटा शहर है, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है कि बिल्कुल लोगों को स्टैंडर्ड्स का नहीं पता। हमने यहाँ आके इस तहसील में बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस भी कराए हैं, सारे हमने वेंडर्स को और जो ये बेकरी ओनर्स है इनको बुलाया कि आप प्रॉपर आके देखेंगे क्या स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और किनको इन्होंने मीट करना है। तो किस तरह आपने खुली अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो किस किस्म का निज़ाम है आपका, साथ ही आपने कूड़े की टोकरी रखी है और साथ ही आप खाना बना रहे हैं, ये देखें ये कौन सा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुद ही इन्होंने चिपकाई है ऊपर से जो एक्सपायरी है ना। सारा ये सील कर दें, सबको बाहर निकालें, सबको बाहर निकालें, इसको सील करें, ये देखें ये टीएसएल का भी साथ इन्होंने गंद रखा हुआ है और साथ यहाँ से तेल डाल डाल के उसमें जो है ना पका रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अंदर। मेन बेकरी को जो है ना आपने ताला लगा दिया, ये सारा बंद करें, कुछ भी इसी गन से वो चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने बेच देनी है, वो सारे को मेन को लॉक कर दें, गैस का जो मेन पाइप है ना वो बंद करें। भाई ये मेरा तीसरा विजिट है, मैं इससे पहले अकेले भी आपके पास आई हूँ, मैंने आपको वार्निंग दी थी कि नहीं दी थी, तो कितनी वार्निंग चाहिए आपको, बस ख़त्म होगी, बहस ना करें, अभी आपकी मैं दुकान खुलने नहीं दूंगी, ये मैंने आपको बता दिया।
साथ वॉशरूम है और यहाँ इसको भी सील कर दें। लोग सारे कोई तस्वीरें नहीं है इससे लेना नहीं है वैसे कि मेन बाज़ार हमारा है सराय आलमगीर में एक ही बाज़ार है जो कि बहुत नैरो है और साइड पे नाले भी हैं तो हमने क्या किया वहाँ पे ये लोग ना प्रॉपर ठिए लगा के आगे बैठे रहते थे लोगों के गुजरने की वन पर्सन गुजरने की भी जगह नहीं थी इनको प्रॉपर ये शेड के नीचे हमने जगह अलॉट की एज टीएम एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर ड्रॉज हुए हैं जिसमें हर बंदा जिनके नाम थे जो यहाँ कंप्लेन कर रहे थे कि हमें ना शिफ्ट करें उनको हमने यहाँ शिफ्ट किया इसमें हमने फ्रूट वालों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है मुर्गी वालों को भी और बाकी सब्ज़ी वालों को भी सबको इक्वल एक जितना हमने ठिया अलॉट किया है और इनका एक मेजर जो प्रेमिस था ना वहाँ से मूव करने का ना मूव करने का वो ये था कि हमारी सेल कम हो जाएगी लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनकी रेट लिस्ट है ये मार्केट कमेटी ने रेट लिस्ट दी है ये रेट लिस्ट एक एविडेंस है कि हमारा जो गवर्नमेंट का रेट है वो ये है ये लोगों को भी फैसिलिटेट करते हैं और इन लोगों को भी फैसिलिटेट करते हैं दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम ओवरचार्जिंग इससे भी हमें बचाते हैं और फिर एक रेप्रिमांड भी है कि इन लोगों पे एफआईआर हो सकती है अगर ये ओवरचार्ज करते हैं जब से मैं इधर आया हूँ मैडम साहबा मेरे से मैडम अजूबा मेरे से पहले इधर ही असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थी और वो एज असिस्टेंट कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रही हैं ख़ास तौर पर बड़े वो बोल्ड स्टेप ले रही हैं इधर ये जो सिटी सराय आलमगीर आपने देखा होगा जीटी रोड पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी तजावजात बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम थी तो वो उन्होंने अपनी मेहनत से इनको इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराया उसके अलावा वो जो दीगर साहिल आते हैं उनकी भी मेरिट पे काम करती हैं और बहुत ऑनेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो इसके अलावा वेलफेयर में भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं अभी जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें भी उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी लेकर वो सर्विस दे रही हैं लोगों को पर्सनल लाइफ इंसान की बहुत ज़्यादा इस तरह की जॉब में इफ़ेक्ट होती है और मैं इसको एक तरह से सैक्रिफाइस ही समझती हूँ कि आपकी बिल्कुल फैमिली आपसे इतनी दूर होती है आप वीकेंड्स पे भी स्टेशन छोड़ना आपको अलाउ नहीं होता एक एक छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गॉड फॉरबिड फैमिली में कोई बीमार है पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं होता हमें फिर भी पहले छुट्टी लेके फिर जाना पड़ता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा कि पर्सनल लाइफ फैमिली को पीछे छोड़ के बिल्कुल सारा डे टू नाइट और बिल्कुल ड्यूटी टाइमिंग्स तो कोई भी नहीं है अभी रात को भी अगर 10 बजे मीटिंग है तो आपने उठ के भागना है मीटिंग के लिए कोई अगर सिचुएशन आ जाती है इवन लॉ एंड ऑर्डर में भी रिपोर्टिंग की हद तक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है कि आपने मौके पर पहुँच के क्योंकि तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की भी रिपोर्टिंग सारा कुछ जो है वो एसी को बताना पड़ता है तो आप जब तक मौके पे नहीं जाएंगे तो आप इस तरह की चीज़ें बता भी नहीं सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है आपकी प्रॉपर नींद भी नहीं जो है इस तरह की जॉब में आप पूरी कर सकते और फ़ोन तो आप कभी बंद नहीं कर सकते पर्सनल लाइफ आपकी बिल्कुल इस जॉब के साथ ज़ीरो है कोई पर्सनल सोशलाइजेशन नहीं है क्योंकि पूरा हफ्ता आप यहाँ होते हैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये सारी एफर्ट मुझे बड़ी एक कंटेंटमेंट एक सेटिस्फैक्शन देती है कि हम अपनी कम्युनिटी में के लिए अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ओवरऑल पाकिस्तानियों की सर्विस जो कि एक सिविल सर्वेंट का एजेंडा है मेन हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं सर्विस का एक एलिमेंट जो है अगर फैमिली लाइफ इफेक्ट भी हो रही है पर्सनल लाइफ इफेक्ट भी हो रही है बट अल्टीमेटली एक गरीब आदमी आपके सर पर प्यार दे जाता है और कहता है कि पुत्र तू सब कुछ है तो ये मेरे ख्याल से आपकी सारे दिन की तसल्ली और सारे दिन की कंटेंटमेंट जो है इस एक चीज़ से इन अल्फाज से आपको मिल जाती है
لوگوں کی فلاح کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے ہم تحصیل میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے میرا ایک ویژن ہے کہ ہماری تحصیل میں ایجوکیشن لیول بہت, یہاں لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے بٹ ایجوکیشن انٹلیکٹ کی بہت زیادہ کمی ہے. آئی بلیو کہ اب جو جنریشن اس چیز سے گزر گئی ہے ان کا تو اب بالکل اس میں آنا پاسبل نہیں ہے, لیکن ابھی ان کے بچے جو اسٹڈی کی ایج میں ہیں وہ اس چیز میں ان کو لانے کے لیے ایک ایفرٹ ہے, ایک کاوش ہے. ہم یہاں پہ تحصیل لیول پہ ایک لائبریری بنا رہے ہیں جو کہ اوپن ٹو آل ہوگی, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کس اسکول کا بندہ آئے گا, کس سیکٹ کا بندہ آئے گا. وہ لائبریری 9 to 5 سب کے لیے اوپن ہوگی. اور یہ آئیڈیا مجھے اس لیے بھی بہتر لگا کہ ہمارے بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا کانسیپٹ بھی لوگوں کو نہیں پتا اور انٹرنیٹ کے سگنلز بھی نہیں آتے ہیں, تو ایک ریڈنگ بک ان کے لیے ان کے نالج کو بھی بڑھائے گی اور ایکسپینڈ کرے گی ان کے اسکوپ کو بھی. یہ میں آپ کو اپنی لائبریری یہاں دکھاتی ہوں. ہم یہاں پہ جو ہے نا لائبریری بنوا رہے ہیں تحصیل لیول پہ. یہ ٹوٹلی فنڈڈ ہے, یہاں کے جتنے بھی لوکلز ہیں وہ لوگ یہ لائبریری فنڈ کر رہے ہیں. جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے, ایون میرے فرینڈز نے بھی یہ کہا کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو لائبریری کا کیا مقصد ہوگا. مجھ سے جو پہلے اے سی تھے ان کا ویژن تھا پوری تحصیل کو بیوٹیفائی کرنا, انہوں نے یہاں پہ پارکس بھی ڈیولپ کیے. لیکن جب میں آئی میرا ایک اپنا ان بلٹ جو تھاٹ بھی تھا اور ویژن تھا کہ یہاں پہ ایجوکیشن کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ اسکولس بھی ہیں ہمارے, اینڈ آئی بلیو کہ بہت ساری چیزیں ہم ریڈنگ سے سیکھتے ہیں. ہم خود ریڈنگ سے, ایک سی ایس ایس کینڈیڈیٹ بھی جو ہوتا ہے اس کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ کتابیں بہت زیادہ پڑھنی ہیں, اور میں اس جنریشن میں ہوں جن کو کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا پسند ہوتا ہے. تو اس میں جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور اس کو بالکل ابھی ایک کنسیپچوئل اسٹیج پہ تھا, کنسٹرکشن ہم نے شروع نہیں کرائی, تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس بات پہ منع کیا کہ آپ لائبریری نہ بنوائیں, کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے کیونکہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ای بکس آ گئی ہیں. پر میں اپنی جب تحصیل کو دیکھتی ہوں تو یہاں پہ آس پاس سارے گاؤں ہی گاؤں ہیں, تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ان دا فیوچر 10 سال تک بھی انٹرنیٹ کا ان کو بالکل نو ہاؤ نہیں ہوگی, تو ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یہ پروجیکٹ وڈ گو ایٹ لیسٹ اندر 50 ایئرس, کیونکہ وہ لوگ بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو. اے سی کے بہت ساری ذمہ داریوں میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ریگولر ہاسپٹلز اور اسکولس کی چیکنگ کریں اور عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں. سنس ہمارا میجر موٹو ہی سروس ڈلیوری ہے, تو اس میں عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو کسی بھی قسم کے پرابلمز ہوں. اسی طرح ریگولر ہمارا تحصیل لیول پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, اس کو ریگولرلی میں وزٹ کرتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہوں. صرف ڈاکٹروں سے ایک کمرے میں بند ہو کے میٹنگ نہیں کرتی کہ سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, بلکہ پیشنٹ کے پاس بیڈ ٹو بیڈ جا کے ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر صحیح ٹریٹ کر رہا ہے. اور یہ ایک بڑا فورم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اے سی اس پوزیشن پہ جاتا ہے تو وہ لوگ کھلے دل سے اپنے پرابلمز بھی بتا پاتے ہیں ہمیں. پیسے تو نہیں لیتا آپ سے؟ کوئی مسئلہ پریشانی؟ ڈاکٹر سے مطمئن ہے؟ یہاں پہ آپریشن نہیں کروایا. اچھا, آپریشن کہیں اور سے کروا کے آئی ہیں. اور وعلیکم السلام. اوپر ہیں پیشنٹس؟ السلام علیکم چاچا, کیا حال ہے؟ لیٹے رہے لیٹے رہے. تکلیف سے کوئی آرام ملا ہے آپ کو؟ دمے کی دوائی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر کون ہے آپ کا؟ چیک کر کے گئے ہیں صبح؟ اچھا, کس دن آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ کل آئے ہیں. رات کو بھی یہی رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر ظفر آپ بھی روز صبح راؤنڈ کر رہے ہیں؟
8 बजे राउंड हो रहा है हमारा। मैडम अजूबा के साथ हमारा वर्किंग रिलेशन इस किस्म का है कि मैडम हमारे हॉस्पिटल की हेल्थ काउंसिल की चेयरपर्सन है और मैं हेल्थ काउंसिल का सेक्रेटरी हूँ। हमने मतलब रावलपिंडी डिवीज़न से लेकर लाहौर तक ऐसा THU हॉस्पिटल कोई भी नहीं है जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम हो। मैडम की एफर्ट के साथ हम लोगों ने मिलकर इस हेल्थ काउंसिल से हमने सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाया मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए। उसके अलावा पीड्स नर्सरी जो है वो किसी भी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मतलब डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर नहीं है, वो हमने तहसील हेडक्वार्टर सराय आलमगीर के अंदर इंस्टॉल करवाई है। उसके अलावा पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए दूसरे सक्सेस ऑफ हॉस्पिटल के लिए हमारा हॉस्पिटल पूरे गुजरात के अंदर नंबर वन पर जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एफर्ट की वजह से। उसमें मेन रोल असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अजूबा का है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मरीज़ों के पास आती हैं, राउंड करती हैं, उनसे पूछती हैं चीज़ों के बारे में, हमें गाइडलाइन करती हैं कि किस हिसाब से काम करना चाहिए, किस हिसाब से बंदों को लेकर चलना चाहिए, मरीज़ों के लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं इस किस्म के लिए। मेडिसन लास्ट हमारी मेडिसन एंड हो गई थी बजट के हवाले से, उस पर मैडम ने बड़ा हमारा साथ दिया, मैडम अजूबा ने। उसमें DC साहब को कह के मैं बजट हमें एक्सीड करवाया और काफ़ी काम जो भी मतलब जिस किस्म में भी मैडम की हेल्प चाहिए होती है मैडम एवरी टाइम मतलब इवन रात में हमारी पोलियो मीटिंग्स होती हैं उसमें मैडम आके हमें चेयर करती हैं। जो थोड़ा बहुत ऑफिस के बाद टाइम मिलता है उसमें आई प्रेफर टू रीड बुक। TV फ्रेंडली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ तो बहुत कम TV देखती हूँ, बट आई रीड बुक्स अ लॉट। बहुत सारे ऑथर्स की अच्छी किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ है और थोड़ा टाइम आप सोशल मीडिया पे भी सब स्पेंड करते हैं हमारी एज के लोग, वो भी ज़रूर साथ साथ चलता है और उसमें भी कोशिश करते हैं कि उससे सीख के जो है कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए। जैसे आपने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है जो कि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के है, उसमें AC को डैशबोर्ड इन्होंने दिए हुए हैं और उन डैशबोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा को सारा एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें भी इसी इंटरनेट सेवी अगर आप ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। और स्कूल लाइफ में हमारे काफ़ी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल होता था पूरा कैथीड्रल स्कूल सिस्टम होता था, उसमें हमारे मैं आई यूज़ टू बी द इंग्लिश डिबेटर और अपने स्कूल को मैंने बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट किया है। डिबेटिंग टॉपिक्स यूजुअली चेंज के हवाले से होते थे क्योंकि वो इस तरह का एक टाइम था जब कंप्यूटराइजेशन पाकिस्तान में आ रही थी, मैकेनाइजेशन आ रही थी, तो सोशल एक पूरे फैब्रिक के लिए बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स होते थे जिनको मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव वन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स और ट्रॉफी भी हमने एक दफ़ा हमारे स्कूल ने जीती थी इंग्लिश डिबेट्स में। और टॉपिक भी इसी तरह का था कि किस तरह हमारी सोसाइटी जो है उसमें ह्यूमन बीइंग किस तरह चेंज को एक्सेप्ट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। आई बिलीव के जिस तरह से एक आप हेड स्ट्रॉन्ग जब होते हैं तो आप कोई भी काम शुरू करना चाहें उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें चाहे इंक्रोचमेंट आए, चाहे किसी को मेरिट पे फैसला करना है, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर आए, आप सब चीज़ें बेयर कर लेते हैं अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं अपने आप को ये अपनी कम्यूनिटी के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल सारी पाकिस्तानी औरतों के लिए ये फील करती हूँ कि एज इज़ नॉट अ फैक्टर, नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग एट द टॉप पोजिशन। हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि CEOs ख़वातीन हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों इनको स्ट्रेटिफिकेशन की हुई है, क्यों सिर्फ कोटे रखे हुए हैं।
آل دو عورتیں اوپن میرٹ پہ کمپیٹ کرتی ہیں اینڈ دے آر ایکولی گڈ. تو میرا یہی سب کو میسج بھی ہے, اور اگر میں کسی کے لیے انسپریشن ہوں تو میرا ان سب کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ ہیڈ اسٹرانگ ہیں اینڈ ایف یو آر رائٹ دین الٹیمیٹلی آپ کو سپورٹ ملے گا, اور میرے خیال سے جو سپورٹ آسمان سے آتی ہے اس سے بڑی سپورٹ اور کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سب چیزیں پرابلمس آن دا وے بیئر کر لیتے ہیں دین ڈیفینیٹلی سکسیز وڈ کس یور فیوچر.